जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 से हमारी केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के एक नई बल्कि यहाँ पर दो बड़ी खुशखबरी जारी करने वाली हैं। दोस्तों बता दें कि हमारी केंद्र सरकार 1 दिसंबर 2022 से हमारे रसोई गैस सिलेंडर में बहुत ही ज्यादा सख्त और बहुत ही ज्यादा भयंकर बदलाव करने वाले हैं। तो आइए आज रसोई गैस सिलेंडर के बारे में हमारे केंद्र सरकार ने जो नए नियम और न्यू रूल्स और बड़ी खुशखबरी जारी किए हैं, इसके बारे में पूरी बड़ी खबर विस्तार से देख लेते हैं। अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है तो इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे जो भी ऐसे ही न्यूज की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल और आसानी से मिल जाए करेगी। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2022 से अगर आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं आता है तो हमारी केंद्र सरकार की तरफ से 1 दिसंबर 2022 से उन सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में अब से गैस की सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर पर किया जाएगा जिनके घर में राशन कार्ड उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी राशन कार्ड है तो अब से हमारे केंद्र सरकार की तरफ से नए नियम के मुताबिक 1 दिसंबर 2022 से आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो हमारे केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा के लिए आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं जाएगा। तो ये हमारे केंद्र सरकार 1 दिसंबर 2022 से बहुत ही ज्यादा सख्त और नया नियम लेकर आ रही है और अब से सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जिनके पास राशन कार्ड है और जो राशन की दुकान से राशन लेते हैं, सिर्फ उन्हीं के बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा जाएगा। और इसके बाद दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 1 दिसंबर 2022 से अगर आप अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर गैस को रिफिल करवाने के लिए जाएंगे तो जो नया सिलेंडर आपको मिलेगा उस पर आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा और उस QR कोड की मदद से आप अपने गैस की पूरी जानकारी घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी हमारे केंद्र सरकार 1 दिसंबर 2022 से बहुत ही ज्यादा सख्त नया नियम लेकर आ रही है। तो अगर आप भी गैस एजेंसी से गैस को रिफिल करवाते हैं तो ऐसे में आप जान लीजिए कि हमारे केंद्र सरकार 1 दिसंबर 2022 से ये दोनों बदलाव और दोनों नया नियम लेकर आ रही है। तो ऐसे में आप में नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपके पास राशन कार्ड है या नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी और नहीं है तो भी इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इस खबर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी अगर आप सवाल करना चाहती हैं तो आप में इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलता है एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।